अगर आप मार्वल यूनिवर्स के फैन हैं तो आज आपके लिए सेलिब्रेशन का दिन है। एवेंजर्स एंडगेम रिलीज हो चुकी है और हम सब जानते हैं कि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक फेस्टिवल है जिसका पिछले एक साल से हमें काफ़ी इंतज़ार था। मैं खुद को बहुत लकी मानती हूँ कि मुझे फर्स्ट डे फर्स्ट शो के टिकट्स मिल गए और थिएटर्स में जो मैंने देखा वो शायद ज़िंदगी भर मेरे साथ रहेगा। मैं हूँ दीक्षा, वेलकम टू फिल्मी रिव्यू ऑफ एवेंजर्स एंडगेम। यार देखो, एक्सपेक्टेशन एक ऐसा वर्ड है जो शायद पूरी लाइफ में हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ता, लेकिन अगर एक मूवी में ऐसा कुछ देखने को मिल जाए जिसके बाद आपकी एक्सपेक्टेशन का डबल नहीं बल्कि ट्रिपल आपको वापस मिल जाए तो भैया ऐसी फिल्म को बोलते हैं मिरेकल यानी जादूगरी। तो सिंपल वर्ड्स में एंड गेम मेरे लिए एक मैजिक स्पेल की तरह है जो पूरे 3 घंटे आपको हंसाएगा भी और रुलाएगा भी। एक फ्री एडवाइस आपको स्टार्टिंग में दे देती हूँ कि अगर आप मूवी देखने जाने वाले हो और आप खुद को सच्चा मार्वल फैन बोलते हो तो अपने साथ टिश्यू पेपर ज़रूर लेके जाना, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। एंड गेम सिर्फ एक सुपर हीरो मूवी नहीं है, ये एक इमोशनल रोलर कोस्टर राइड है। बात करूँ सरप्राइजेस की तो यार एंड गेम आपकी सारी उम्मीदों को क्रॉस करके इतने सारे सरप्राइजेस देने वाली है कि आपका मन करेगा अपनी सीट पर खड़े होकर नाचने गाने का। एक सच्चा सुपर हीरो फैंस ऐसे इमोशंस को समझ सकता है। आप ही सोचो, जिन हीरोज़ के साथ हम 10-15 साल से जुड़े हुए हैं अगर वो अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट हमारे सामने लेकर आएंगे तो आप उसको कैसे सेलिब्रेट करोगे। यार मैं सच बोलूँ, मैं तो फिल्म के सामने एकदम फ्लैट हो गई। देखिए, फिल्म को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करिए, बिगनिंग, मिडिल और एंडिंग। इसमें बिगनिंग वाला पार्ट थोड़ा स्लो है लेकिन फिल्म के सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको स्टार्टिंग में ही देखने को मिलेंगे। मिडिल वाले पार्ट की बात करें तो यहाँ पे फिल्म आपके दिमाग में मार्वल यूनिवर्स की कुछ पुरानी यादों को ताज़ा कर देगी, जो मुझे पर्सनली सबसे बेस्ट पार्ट लगा। और फिल्म की एंडिंग काफ़ी फास्ट पेस पे है लेकिन हर सीन को एकदम डिटेल में शूट किया गया है। मतलब हर एक सुपर हीरो फैन को उनके हीरो का अभी तक का बेस्ट स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो ऐसे ऐसे सीन्स फिल्म की एंडिंग में डाले गए हैं। गारंटी बस इस बात की है कि फिल्म आपके टिकट के पूरे पैसे वसूल करेगी और साथ में आपको लाइफ टाइम के लिए मेमोरीज का रिटर्न गिफ्ट भी जरूर देगी। बात करूं फिल्म की तो इसमें आपको वो सब कुछ देखने को मिलेगा जो आप एक परफेक्ट फिल्म से एक्सपेक्ट करते हो। पावरफुल सुपर हीरोज हैं और उनसे भी पावरफुल सुपर विलेन हैं और आपको पेट पकड़ के हंसने पे मजबूर करने वाले कॉमेडी सीन्स भी हैं। देखिए, एवेंजर्स एंड गेम इन्फिनिटी वॉर के आगे की स्टोरी हमारे सामने रखती है। फिल्म का पूरा कनेक्शन लास्ट मूवी से है तो अगर आपने इन्फिनिटी वॉर नहीं देखी है तो पहले उस मूवी को देखिए, उसके बाद एंड गेम को देखिए, तब जाके आपको एवेंजर्स की असली फीलिंग एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। फिल्म की सबसे अच्छी बात है इसमें जो ओरिजिनल एवेंजर्स हीरो थे जिनसे एवेंजर्स सीरीज की स्टार्टिंग हुई थी उन पे पूरा फोकस डाला गया है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि एंड गेम काफ़ी सारे एवेंजर्स की लास्ट मूवी है, इसीलिए डायरेक्टर के ऊपर काफ़ी सारा प्रेशर था कि वो कैसे हमारे हीरोज को एक परफेक्ट फेयरवेल देंगे। लेकिन यकीन मानिए, रूसो साहब ने कमाल की फिल्म बनाई है। फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि इसमें हर सुपर हीरो को बराबर स्क्रीन टाइम दिया गया है। अगर आप आयरन मैन के फैन हैं तो भी फिल्म आपका दिल जीत लेगी और अगर आप कैप्टन अमेरिका के फैन हैं तब भी आपके फेस पे स्माइल जरूर आएगी। मतलब इस फिल्म को आप अपने फेवरेट सुपर हीरो के लिए ज़रूर देखिए। इसमें काफ़ी कुछ ऐसा दिखाया गया है जो सीधा पूरी उनकी हिस्ट्री को रिक्रिएट करके आपकी यादों को फ्रेश कर देगा। इन्फिनिटी वॉर की एंडिंग में जब थैनोस हमारे हीरोज के ऊपर भारी पड़ा था तब याद है ना कैसे सारे फैंस शॉक में चले गए थे। तो यार तैयार हो जाओ, इस बार भी मूवी में काफी सारे ऐसे सीन्स हैं जो आपको शॉक में डाल देंगे, लेकिन इस बार ये शॉक अच्छे वाले होने वाले हैं। मैं शर्त लगा सकती हूँ कि आप थिएटर से बिना ताली बजाए बाहर ही नहीं आएंगे। फिल्म की स्टोरी लाइन काफी कमाल की है। जैसे इन्फिनिटी वॉर की स्टोरी काफी ज्यादा ग्रिपिंग और एक्साइटिंग थी तो इस बार एंड गेम की स्टोरी तो नेक्स्ट लेवल पे लेके गई है और आप स्टोरी के साथ पूरी तरह इजिली कनेक्ट कर लोगे और अगले सीन का वेट करोगे। फिल्म के डायलॉग्स कभी आपको एकदम इमोशनल कर देंगे तो कभी हंसते हंसते थक जाएंगे। रॉबर्ट डाउनी जूनियर और क्रिस इवेंस मेरे लिए फिल्म के बेस्ट एक्टर्स हैं। दोनों की आपस में केमिस्ट्री काफी कमाल की दिखाई गई है। आप जानते ही होंगे कि सिविल वॉर के बाद दोनों में थोड़ी दूरियां आ गई थी लेकिन एंड गेम में दोनों का भाईचारा खूब रंग लाने वाला है। ये दोनों सुपर हीरो साथ मिलकर एक परफेक्ट एवेंजर टीम की तरह लड़ने वाले हैं और इनकी बॉन्डिंग देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। एक स्पेशल थैंक्स मैं जरूर बोलना चाहूंगी फिल्म के मेकर्स को, जिन्होंने फैंस को ऐसी कमाल की मूवी देखने का मौका दिया जिसके बाद आप प्राउड फील करोगे कि हाँ, मैं एक मार्वल फैन हूँ और मेरे जैसे लाखों लोगों के इमोशंस पे फिल्म को बनाया गया है। एंड गेम उस सपने की तरह है जिसे शायद आप बचपन से काफी बार देखते होंगे लेकिन आज वो सच होने वाला है। तो यार मैंने तो फिल्म को काफी ज्यादा एंजॉय किया और मेरी तरफ से फिल्म को डबल थम्स अप। मैं फिल्म को स्टार्स इसलिए नहीं दूंगी क्योंकि एवेंजर्स सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक फीलिंग है जो लाइफ टाइम के लिए हमारे साथ चलने वाली है और इसको रेटिंग वगैरह देकर मैं अपने जैसे फैंस का दिल नहीं हर्ट करना चाहती। तो यार देखो, अगर लाइफ में कभी कोई सुपर हीरो मूवी नहीं देखी है तो एंड गेम से स्टार्ट करो। वादा करती हूँ फिल्म आपको बाकी मूवीज देखने पर मजबूर कर देगी। और जो सुपर हीरो मूवीज के फैंस हैं वो किस बात का इंतजार कर रहे हैं, भैया टिकट्स बुक करो फटाफट, वरना थैनोस की चुटकी बज गई तो पूरे महीने के टिकट सोल्ड आउट हो जाएंगे।
मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में. टेक केयर, बाय बाय.